नमस्कार दोस्तों, हम जो दूसरों को देते हैं वह हमारे पास ही लौट कर आता है, चाहे वह इज्जत हो या सम्मान हो या फिर धोखा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 22 दिसंबर दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आई शुरू में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, सरस्वती माँ का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सरस्वती माँ लिखें, सरस्वती माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 22 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, आज की द्वितीय तृतीय, आज का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:09 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:29 पर। दोस्तों आज का शुभ समय कोई भी नहीं और आज का अशुभ समय है सुबह 11:58 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इस समय ना करें, आपके लिए अशुभ होगा। साथ ही साथ आपको बताएं आज आपका लकी नंबर है 3 और शुभ रंग है हल्का गुलाबी, लाल और सफेद। दोस्तों अब बात करते हैं आज के चारक नीति ज्ञान के बारे में। चारक जी कहते हैं कि इन 8 बातों से दूर रहे विद्यार्थी, सरल हो जाएगी आपकी शिक्षा। आचार्य चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी को ज्ञान अर्जन के समय 8 बातों से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसके ज्ञान अर्जन में व्यवधान आ सकता है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो चाणक्य के इस सूत्र को हमेशा ध्यान रखें। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य कहते हैं विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थ, श्रृंगार और हंसी मजाक से दूर रहे, निद्रा यानी कि नींद से भी वह दूर रहे और अपनी शरीर सेवा में अधिक समय ना दे। इन आठ बातों के त्याग से विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त हो सकती है। नंबर 1 काम। आचार्य चाणक्य कहते हैं ज्ञान अर्जन में लगे विद्यार्थी को पारिवारिक जीवन यानी काम वासना में नहीं पड़ना चाहिए, परिवार बसाना एक अलग दुनिया है। नंबर 2 क्रोध। चाणक्य कहते हैं क्रोध से अहंकार उत्पन्न होता है, दूसरी तरफ क्रोध से मन का संतुलन खो जाता है, दोनों ही स्थिति में आप ज्ञान अर्जन के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। अहंकार में आप विनय खो देते हैं जो ज्ञान अर्जन की प्राथमिक आवश्यकता है। नंबर 3 लोभ। आचार्य चाणक्य कहते हैं लोभ 3 तरह के होते हैं, व्यक्ति, वस्तु और धर्म का। तीनों तरह का लोभ ज्ञान अर्जन में हानिकारक है। आपको ज्ञान अर्जन में ना तो किसी प्रिय व्यक्ति की कामना करनी चाहिए, ना कीमती वस्तु की अपेक्षा रखनी चाहिए और ना ही धार्मिक लाभ में आपको पढ़ना चाहिए। नंबर 4 स्वादिष्ट व्यंजन। आचार्य चाणक्य कहते हैं एक ज्ञान अर्जन करने वाले विद्यार्थी को अपने स्वाद पर अंकुश लगाना चाहिए। अत्यधिक स्वाद के चक्कर में आप स्वास्थ्य से समझौता कर लेते हैं, इससे आपको ज्ञान अर्जन में बाधा पड़ेगी। नंबर 5 श्रृंगार। आचार्य चाणक्य कहते हैं विद्यार्थी को हमेशा बनने संवरने से परहेज करना चाहिए। अगर आप स्वयं को श्रृंगार की ओर आकर्षित करते हैं तो आपका ध्यान ज्ञान अर्जन से भटक सकता है, इसलिए ज्यादा श्रृंगार में नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 6 हास्य विनोद। आचार्य चाणक्य कहते हैं हास्य विनोद यानी हंसी मजाक में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होना जरूरी है, मनोरंजन विद्यार्थी के लिए नहीं है। एक बार आप ज्ञान अर्जन करके कुछ बन जाते हैं तो फिर जिंदगी भर आप मनोरंजन करिए, आपको रोकता कौन है। दोस्तों आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी मुश्किल में फंसे हुए इंसान की मदद करने के लिए करें। याद रखें यह शरीर तो एक ना एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, अगर यह किसी के काम ना आ सके तो इसका क्या फायदा। पुराने निवेश के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है, बच्चों और परिवार दिन का केंद्र बिंदु रहेंगे। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रोमानी हो। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर आप काम कीजिए जो रचनात्मक रूप से हो। छात्र छात्राओं को आज अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए, ऐसा करना आपके लिए हितकारी है।
आपका जीवन साथी, आपको इतना बेहतरीन पहले कभी नहीं महसूस हुआ, आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज भी मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, व्यवसायिक रूप से आज का दिन शुभ रहेगा, पदोन्नति या व्यवसायिक बेहतरी का प्रबल संकेत है। आपके लंबे समय से अपने सपने एवं परियोजना पर काम करने का आपको अवसर मिल सकता है। व्यवसायिक गतिविधि में तेजी संभव है। आर्थिक रूप से आप बहुत अच्छा करेंगे और एक पुराना ऋण भी आप वसूल किया जा सकता है। आप भौतिक सुख प्राप्ति संबंधी वस्तुओं के किराए की ओर आकर्षित होंगे। विदेशी यात्रा भी अमल में आ सकती है। स्वैच्छिक कार्य योग्य और ध्यान कलात्मक कार्य आपको संतुष्टि प्रदान करेंगे। बच्चे गर्व और खुशी का स्रोत बनेंगे। साथ ही आपको बताएं, आज घर से कुछ मीठा खाकर आप घर से बाहर निकलें, आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही आपकी सफलता का रास्ता अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा रहेगा। पैसों से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच समझ कर लेने चाहिए। शैक्षिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाई बहनों की मदद से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी का बुरा ना करें और ना सोचें, आपके लिए सही रहेगा। जीवन साथी को किसी मामूली बात पर डांटने की बजाय उनसे विनम्रता से बात करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मिलेंगे। अपोजिट जेंडर वालों की मदद से भी आपको इस राशि में धन लाभ हो सकता है। कोई धार्मिक स्थल से जुड़ी यात्रा आपके लिए आनंददायक रहेगी। परिवार के साथ इन यात्राओं पर जाकर आपको आत्मिक शांति का अनुभव होगा। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। साथ काम करने वाले लोगों पर भी आप एक अट्रैक्शन बना पाएंगे। कुछ लोगों के चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है। घर में किसी बुजुर्ग या माता पिता की सेहत को लेकर आप में जरूर टेंशन रह सकती है। इंक्रीमेंट और प्रमोशन होने के योग बढ़ रहे हैं। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपको अच्छे ऑफर भी मिल सकते हैं। अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान बना सकते हैं या फिर कोई नया उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आपने पिछले कुछ समय से बहुत अधिक मेहनत द्वारा जो दीर्घकालीन योजना बनाई थी, उस लक्ष्य को हासिल करने का उचित समय है। आपकी योग्यता और काबिलियत खुलकर लोगों के सामने आएगी। आर्थिक रूप से कुछ उलझन और समस्याएं बढ़ सकती हैं, परंतु हर मुश्किल और परेशानी का सामना आप निडरता के साथ करेंगे। हल भी पालेंगे। शत्रुओं और विरोधियों की गतिविधियों को आपको नजरअंदाज कर देना चाहिए। साथ ही परिवार में सगाई विवाह जैसी कुछ योजनाएं बनेंगी, जिससे घर का वातावरण मधुर रहेगा। युवा वर्ग भी डेट पर जाने से आपको अति आनंद और खुशी मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों आपकी कार्य प्रणाली बहुत ही बेहतरीन रहेगी। उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। मीडिया तथा ऑनलाइन कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन फैसले खुद ही लेने की कोशिश करें। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो दोस्तों अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। या दोस्तों प्रेम के मामले में बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। साथ ही दोस्तों आप विवादों से दूर रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी के कहने पर आप कोई काम ना करें और ना ही किसी के दबाव में आकर करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा और अपने प्रेमी प्रेमिका पर भी आप भरोसा रखें और एक दूसरे से संलग्न रहें, क्योंकि आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। और साथ ही आपको बताएं कि अपने प्रेम जीवन को और भी अधिक अच्छा बनाए रखने के लिए आप उनकी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें और एक दूसरे को समझें और समझने की कोशिश करें। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम व सही रहेगा तथा आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। साथ ही आप अपने आप को काफ़ी तंदुरुस्त महसूस करेंगे। या दोस्तों आज का समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएं, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।